अरे किसको सुना रहा है तू? शायद खुद ही तो गद्दारी करता, गद्दारी करने वालों को माफ नहीं करता। मने खुद इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है, गद्दार का पुतला है ये। भाई क्या रुला देते ना ये लोग। माशाल्लाह। बहुत सिपाही है। सलामालेकुम, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ड्रिल से त्रुल सीजन 2 एपिसोड नंबर 101। भंगड़ा डालो तुम फिर से इधर बैठ के। पल्ला पल्ला हैं, मतलब इधर से इधर इधर ऐसे ऐसे करते रहते। अर्तुल भाई कल जिरके में उनके भाई जो बड़े भाई हैं गुंदोगदू भाई जीत चुके हैं। वो सरदार बन चुके हैं काई कबीले के। आज का भी देखने वाला सीन है। अर्तुल भाई बहुत ज़्यादा मायूस होकर अपने बंदों के साथ हिजरत की तरफ जा हिजरत कर रहे हैं। किधर? बाजनटाइन। तो अभी देखना है कि वहाँ पे हमारा कबीला अपने अर्तुल भाई का ही कबीला बनेगा वहाँ पे, मतलब वही उनकी ही रिहाइश इलाका होगा, या फिर पूरा कबीला का ही कबीला जाएगा। तो बहुत ज़्यादा देखने वाला सीन है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन है। और उधर से वो कोपेक कोपेक वो अपनी क्या नाक घुसाएगा बीच में, वो भी देखने वाला सीन है। पर अपना तुर्गुत भाई उसके ऊपर निशाना लगा के बैठा है। चूक गया था एक बार तो। तो क्या मैं क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चूक गया था एक बार तो। ओ भाई मारो मुझे मारो। सो गाइस बहुत मतलब इंटरेस्टिंग सीन होने वाला है आज का। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज डिनर के लिए आने वाले सब साथ में बैठ के खाना खाएंगे लास्ट टाइम। दस्तरखान पे वेट कर रहे हैं, काय कबीले के दरवाजे की तरफ देख रही हैं हमें खाना। आ गए ना भाई, क्या बात है, स्माइल तो देखो। वालेकुम अस्सलाम। अतुल भाई चलते हैं, स्टाइल तो देखो उनका, क्या चलते हैं एकदम माशाल्लाह। शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। कितनी मोटी रोटी है ना, ब्रेड है वो। ओ भाई तगड़े बंदे हैं तो तगड़ी रोटी खाएंगे, हमारे जैसे थोड़ी इतनी सी रोटी खाते हम, उसमें ही हमारा पेट भर जाता। मेरी ख्वाहिश देखी
सही बात है। कोपिक अरे किसको सुना रहा है तू? खुद ही तो गद्दारी करता, गद्दारी करने वालों को माफ नहीं करता। मैंने खुद इतनी बड़ी गद्दारी कर रहा है, गद्दार का पुतला है ये, गद्दार का जीता जागता क्या बोलते उसको, निशान जो भी है बस है, समझ लो। सही बात है। मुझे दुख हो रहा है कि आपकी सोच भी उस दुश्मन जैसी हो गई है जिससे हमेशा लड़ता आया हूं मैं। मासूम बच्चे की जान लेने की कोशिश करके मुआज़िज़ीन को सोने में तोलकर उन्हें रिश्वत देकर आपने साबित किया कि आपके दुश्मन है। सही बात है, बिल्कुल आईना दिखा रहे हैं एक्टर भाई।
आज तो नहीं क्या होगा ना, मैंने अकेले तो नहीं चले जाएंगे यार। प्यार तो सभी करते हैं एक दूसरे को, बस थोड़ा सा गलत फहमियों ने कोपिक की वजह से सारा काम खराब हुआ पड़ा। बस गुंडोग दुबई जा रहे कहीं पे, एतरुल भाई हिजरत कर रहे हैं। Thank you.
एर्तुरल भाई नहीं मानेंगे भाई। देखो कितने जंगजू हमारे साथ हैं और जंगजुओं के अलावा लोग कितने हैं। जैसा आप कहें भाई, आखिर में जाके पता करेंगे भाई। ठीक है हलीमा, तुम खवातीन से बात करो। आप इत्मीनान रखिए, मैं उनसे बात करती हूँ। हमें फौरन रवाना होना है यहाँ से, चाहे जंगली लोग हो हमारे साथ। अरे यार ना कर यार भाई,
भाई क्या रुला देते ना ये लोग। सही बात है। यार कितना मुश्किल होता है ना ऐसे जाने के लिए सच में। और मेरी दुआएं भी
यार पता नहीं है सच में चले जाएंगे क्या। स्ट्रॉन्ग मॉम के स्ट्रॉन्ग बच्चे। सबको बस यही चीज समझनी चाहिए कि अर्थरल भाई ये स्टेप क्यों ले रहे, सो दैट दे कैन गो विद देम, है ना। बामसी दुआन माशाल्लाह भाई माशाल्लाह जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जवानों। वालेकुम अस्सलाम। अर्थुल भाई के साथ जाने के लिए तैयार है हम। बहुत शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह हमारा सफर आसान करे। मतलब बहुत सारे लोग हैं ना साथ में। समझदार बातें माशाल्लाह। अगर अभी तुम अपनी जिद से बाज नहीं आओगे तो फिर मैं देखता हूँ किसमें इतनी हिम्मत है कि वो जिंदा यहाँ से जाए। ये देखो भाई मैं बंसी भाई से हैरान हूँ कसम से। मतलब इतना कंट्रोल आ रहा है, इतना कंट्रोल बंसी नहीं पक्का बंसी।
ये पक्का बंसी भाई है ना? बंसी भाई में इतना कंट्रोल, वाह माशाल्लाह। और इतनी अच्छी बातें करता है बंसी भाई, समझदारी की। सही बात है। सलजान का हुआ? सही बात है, जरूर कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ऐसे कामयाबी का क्या फायदा जिस कामयाबी को देखने के लिए हम एक दूसरे के साथ ही ना, ऐसा अपना सुकून किस काम का है? ऐसी बातें नहीं करो मेरी बहन, ये फासला हमें जुदा नहीं कर सकता कभी भी। हमारे रास्ते बेशक जुदा है लेकिन तेरे एक साथ रहते हैं। ये वही है क्या ये बंदा? क्या काम कर रहा है ये? अर्तुरुल के पर काटने का वक्त आ गया है। क्या पर काटेगा ये बेवकूफ? बाकी तो छोड़ो, अपने घर वाले ही ऐसे कर रहे तो कॉपेक तो है ही निठल्ला। साथ चलना चाहते हैं तो दुर्गा के दस और जब जो भी उनके हम
करेगा ही करेगा वो तो। माशाल्लाह देखने वाला सीन है यार, क्या होगा आगे, है ना, क्या पंगे होने वाले हैं। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ब्रदर सिंगुरतकिन भाई। हाँ ना यार, तुर्गुत मिसिंग है अपना, बस बाकी सब है। Yeah, this is other.
मुझे कुएं में डाल दिया, मेरे पास कुछ नहीं कहने को और ना ही अब कोई उम्मीद बाकी है भाई, सब अपने रास्ते चुनने के लिए आजाद है। अगर मैं तुम्हें रुकने का कहूं तो जानता हूं तुम कभी नहीं रुकोगे और चले जाओगे यहां से, लेकिन मैं तुम्हें अपने लश्कर से सिपाहियों को हरगिज नहीं ले जाने दूंगा। आज से हमारे सब रास्ते जुदा हो गए हैं भाई, मेरी और मेरे जंगजुओं की गलतियां माफ कीजिएगा। अर्थुल, शायद तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, तुम मेरे लश्कर से एक सिपाही भी नहीं ले जा सकते, खासतौर पर मेरे भाई तुंदार को मेरी वालिदा से छीन कर, हरगिज नहीं। यार एक तो मतलब अपने घर में इतने पंगे चल रहे हैं इनके, एक तो वो तो दुर्गा कबीले का जो सरदार बना है अभी निठल्ला, वो पिल्ला कोपेक का वो भी पंगा कर रहा है, और इधर सुंदर तगिन भाई पंगे कर रहे हैं। कौन है अच्छा ये वही है, किसी को जाने नहीं दे रहे, क्या बेवकूफ इंसान है ये लोग, ऐसे किसी से जबरदस्ती थोड़ी कर सकता है। आ गया बेवकूफ कोपेक का पिल्ला, पिल्लू हमारा रिएक्शन ऑन ड्रिलिस एर्थरूल सीजन 2 एपिसोड नंबर 101 बहुत बेहतरीन था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट एपिसोड में वो कोपेक का जो पिल्ला है वो बंदा रोक रहा है हमारे एर्थरूल भाई को और उनके जमजुओं को जाने से, सो देखने वाला सीन है कि आगे क्या होगा। आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच दैट। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ यू लाइक आवर वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।